भाई तुम लोगों ने तो मौज कर दी आज तो। गालियां पड़ेगी जब ये सब लोग वीडियो देखेंगे, तब ये सब मेरे को डांटेंगे। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये देखिए हमारे घर की होने वाली बहू के लिए ये प्यारा सा सुंदर सा नेकलेस है। आपने नेकलेस बहुत तरीके के देखे होंगे, लेकिन ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। सीरियसली ऐसे हमारे टाइम पे तो ऑप्शन नहीं मिलते थे, बट ये मांग टीका है, नेकलेस है। एंड जो बहू के लिए हमने मंगलसूत्र बनाया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल टाइप का हमने सब कुछ बनाया है, सारी महंगी चीज़ें हैं, लेकिन बस इस तरीके से बनाया है क्योंकि जो हमारी जो बहू है, मतलब मेरी जो भाभी है, वो जॉब करती हैं, वो टीचर हैं, तो डेली वेयर में मतलब लाइक मंगलसूत्र है। और चूड़ियाँ भी हमने बहुत सारी चूड़ियाँ लेने के बजाय अच्छे से दो भारी ही कंगन रखे हैं, ताकि वो रेगुलर में मतलब स्कूल वगैरह में पढ़ाने जाएँ तो इस तरीके से वो कंगन वगैरह पहन सकती हैं चूड़ियों के बदले। और भी बहुत सारी ज्वेलरी, वो मैं आगे आपको ब्लॉग में बताऊंगी। अभी इतने वो नानी लाई थी तो मुझे दिखा रही थी, तो वो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है। देन इसके बाद मैं जा रही हूँ मौसी के घर, और वहाँ पर सत्यनारायण की कथा है। क्योंकि क्या होता है, हमारे में जैसे लड़की की शादी होती ना, तो लड़की की शादी निपट जाने के बाद सत्यनारायण की कथा होती है, और जो लड़के वाले होते हैं उनके वहाँ शादी के एक दिन पहले कथा होती है। तो अभी तो मेरे मौसा जी मौसी जी जोड़े से बैठे हैं, अभी नेक्स्ट टाइम जो भी कथा पूजा होगी उसमें मेरे भाई भाभी साथ में बैठेंगे। और यहाँ पे ये जो मंडप गाड़ा हुआ है यहाँ पे शादी का, तो ये जो मटकियाँ देख रहे हो छोटी छोटी सी, ये मटकियाँ पानी से मुझे भरनी है, मतलब बहन सारी प्रोसीजर करती है, वो अभी मैं करूँगी। तो चलिए, अभी मेरे बच्चे उठ गए हैं, तो बैकग्राउंड में आपको बहुत वॉइस ओवर में डिस्टर्बेंस आएगा, तो मैं यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करती हूँ। चलिए एंजॉय द वीडियो। सो गाइज, अभी मैं जब यहाँ संगीत स्टार्ट होता है, ढोलक बजती है, तो उससे पहले ढोलक को पूजी जाती है। तो बस अभी मैं ढोलक पूजने जा रही हूँ, देन उसके बाद गीत चालू हो जाएंगे।
सो गाइस, ये विधि का मतलब नाम है भीखी पढ़ना। तो आई थिंक मुझे पता है वहाँ तक भीखी पढ़ना मतलब अभी इसके कुछ पूजा वगैरह होगी, फिर अमन भिक्षा मांगता है, समथिंग कुछ ऐसा ही कुछ है, आई डोंट नो पूरा मुझे। और यहाँ पे देखिए सब गाना बजाना, ढोलक वगैरह बज रही है और भात के गाने बज रहे हैं। एंड देन थोड़े टाइम बाद अभी मेरे मामा लोग सारे मतलब जितने भी 4-5-6 मामा हैं सबके सब अभी भात चढ़ाएंगे, मतलब कि लाइक पहरावणी करेंगे। चलो खा लो फटाफट, बता से बता, थोड़ा धीमे धीमे खाना बेटा, थोड़ा धीमे धीमे खाना। रील बना रहे गाइज। यहाँ पे मेरे सारे मामा लोग इकट्ठे हो गए, मतलब मेरे 3 मामा हैं प्लस मेरी मम्मी के जो मौसी के बेटे हैं, मम्मी के चाची के बेटे हैं, दोनों चाचियों के बेटे हैं, मम्मी के बुआ के बेटे हैं। तो ये सारे मेरे मामा लोग भात लेके आए हैं, मतलब कि मेरी जो मौसी हैं उनके ससुराल वालों के लिए, मौसी के लिए, और मेरी मम्मी और जो एक पिंकी मौसी है उन सब, बेटा चुप रहो एक मिनट, तो उन सब के लिए लेके आए हैं पहरावणी, मतलब सब पहनाएंगे वगैरह। तो चलिए एंजॉय द वीडियो।
सो गाइज ये लोग बहुत धीमे धीमे गरबे कर रहे हैं, जो कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है वीडियो एडिटिंग करने में, इसलिए मैं थोड़ा सा फन मस्ती के लिए मैं इनको फास्ट फॉरवर्ड में मोड पे डाल रही हूँ वीडियो को, तो देखिए आपको बहुत ही हंसी आएगी। सो गाइज आप लोगों ने इंजॉय किया ना, मैंने तो खूब किया, और मुझे इतनी गालियां पड़ेगी जब ये सब लोग वीडियो देखेंगे, तब ये सब मेरे को डांटेंगे। ओ भैया जी एक अच्छा बजाई दियो। तुम बैठे क्यों? लो तो मेरी नानी बची थी, अब उन्हें भी हमने डांस फ्लोर पे उतार दिया है और वो भी डांस कर रही है, देखिए। तो मेरे मामा बहुत स्लो स्लो डांस कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इन्हें भी फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल देती हूँ।